Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़े। पीछे 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 देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जाने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। जी क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? आपका विरोध हो रहा है, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं जब हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, ये बीजेपी के गुंडे उधर बाई तरफ घूम रहे हैं।